रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सारे लोग जो है वो अच्छे होंगे और रमज़ान जो है वो आप लोगों का अच्छा गुजर रहा होगा। जी अतीक साहब, गुड मॉर्निंग और वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? जी वालेकुम सलाम। आशिष साहब का क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी मैं भी अतीक साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। वालेकुम सलाम नुसरत साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? मेंबर्स रोज लेट से लेट ही जो है वो होते जा रहे हैं सारे। जी वालेकुम सलाम अतीबा साहबा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? आयशे साहबा, अल्लाह ताला आप सबको जो है वो खुश रखे और अगेन रमज़ान की जो है वो नेमतें आप सबको जो है वो समेटने की तौफीक अता फरमाए। ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स के ऊपर जो है वो आपको अल्लाह ताला फोकस करने की तौफीक अता फरमाए ताकि मैक्सिमम स्किल्स जो है वो आप लोग सीख लें। अभी स्टिल 11:34 जो है वो हो चुके हैं और सब स्टूडेंट्स ने अभी तक जो है वो ज्वाइन नहीं किया, तो अगेन जो कि हमेशा से जो है वो होता है कि अगर 11 बजे का मतलब हम लोग समझते हैं 11:15 है, 11:30 का मतलब शायद हम लोग समझने लग गए हैं कि शायद 11:45 जो है वो क्लास है। तो आप लोग उससे जो है वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं और दूसरों का भी टाइम जो है वो ज़ाया कर रहे हैं जो टाइम पे आ जाते हैं। जी शायद जो है वो मुतीबा साहब एग्जैक्टली गर्मी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई है तो रोज़ा लगने जो है वो लग गया, तो असाइनमेंट्स वगैरह मैं देख रहा था काफ़ी लेट जो है वो लोग पोस्ट कर रहे थे कमेंट्स, तो इसलिए शायद देर से जो है वो उठे हैं। जी वालेकुम सलाम अब्दुल्ला साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है?
11:35 हो चुके हैं, क्लास का आर्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने का टाइम जो है वो हो चुका है, लेकिन स्टिल अभी तक सब लोगों ने जो है वो ज्वाइन नहीं किया। वालेकुम सलाम आशी साहबा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप भी? और ठीक है अब्दुल्ला साहब, अल्लाह ताला आप सबको जो है वो खुश रखे। तो टॉपिक का जो है वो स्टार्टिंग का जो है वो टाइम हो रहा है, लेकिन अभी तक स्टिल सब लोग जो है वो नहीं आए। वालेकुम सलाम काशी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? स्टिल वेटिंग, जो स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास एक्टिव होते हैं, स्टिल अभी तक उन्होंने जो है वो ज्वाइन नहीं किया। जी एग्जैक्टली अतीक साहब, लेट होने में हम लोग शायद जो है वो फख्र महसूस करते हैं, ठीक है, और लेकिन बैक एंड पे हम लोग सबका जो है वो टाइम जाया कर रहे हैं। जो लोग लाइक ऑनलाइन आ चुके हैं, हम लोगों का भी टाइम जाया हो रहा है। चले अभी जो लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, तो आप लोगों के जो आप लोगों ने प्रपोजल्स जो है वो सेंड किए थे उनको जो है वो चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। और सिर्फ अभी जो लोग ऑनलाइन आए हैं, जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, सिर्फ उन्हीं के प्रपोजल्स जो है वो मैं पढ़ता हूँ, क्या क्या प्रपोजल थे। तो ये जवाब थे जी, प्लीज लिस्ट ऑफ लिंक्डइन सेटअप के वाले से। जी सबसे पहले अब्दुल्ला साहब, हाय जोर जाइए, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर एंड आई सी यू वांट टू सेट अप एन एड्स कैंपेन फॉर योर पेज। आई हैव एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग विद फेसबुक इंडस्ट्रीज। अगेन अब्दुल्ला साहब, मेरे ख्याल से ये जॉब है लिंक्डइन सेटअप एंड कैंपेन, और यहाँ पे सिर्फ ये है कि प्लीज लिस्ट द टास्क यू वुड डू एज पार्ट ऑफ सेटअप इंक्लूडिंग सेटिंग ऑफ कैंपेन एंड सबमिट अ कोड। आप यहाँ पे जो है वो पहले रेलिवेंट चीज सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर चले, अगर ये लिखा भी है तो यहाँ पे आप फेसबुक की बात कर रहे हैं, पूरे प्रपोजल में कहीं आपने लिंक्डइन की बात ही नहीं की। तो प्रपोजल आपने किस तरह से लिखा है जरा मुझे कमेंट्स में बता दें, क्या माइंड में क्या चल रहा था जब आप ये कमेंट्स जो है वो प्रपोजल टाइप करते, ताकि मुझे आइडिया हो जाए थोड़ा सा। आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर हु कैन क्रिएट एंड प्रमोट योर लिंक्डइन पेज। आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स, बट सिंस आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई कैन शो यू अलोन। अच्छा सभी साहब तो भी है ही नहीं है, तो उसको छोड़ दें। रिजवान साहब का भी आया, वालेकुम सलाम रिजवान साहब, लुकिंग फॉर समवन हु कैन आई एम सोशल मीडिया मार्केटर वन वर्क ऑन लिंक्डइन ये कैंपेन एडवर्टाइजमेंट। आई एम जॉइंड दिस वेबसाइट आई कैन प्रोवाइड अलोंग विद लिंक्डइन प्रमोशन, आई विल ऑप्टिमाइज योर पेज कैंपेन थ्रू प्रॉपर एसईओ ऑफ दिस, आई विल डू द फॉलोइंग टास्क बेसिकली। ठीक है अच्छा जी, अब साहब का भी कोई कमेंट नहीं आया, तो इसको जो है वो छोड़ रहा हूँ। अभी मुतीबा साहबा जो है वो आ चुके हैं, हाँ जो योर पोस्ट साउंड दैट यू आर लुकिंग और सोशल मीडिया मैनेजर टू प्रमोट एंड बूस्ट योर बिजनेस, अ वास्ट एक्सपीरियंस सोशल मीडिया मार्केटिंग अलोंग लिंक्डइन प्लेटफॉर्म इज माय कोर स्पेशलिटी। आई एम वर्क विद नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट्स, बट आई एम वेबसाइट है एंश्योर यू टू डिलीवर यूनिक आई कैचिंग कंटेंट एंड इज माय सर्विसेज विल इंक्लूड। ठीक है मुतीबा साहब, आपका भी प्रपोजल जो है वो ठीक है। हसन अली साहब ने ज्वाइन किया था, लेकिन हसन अली साहब एक्टिव नहीं है, तो अभी इसको मैं डिस्कस जो है वो नहीं कर रहा। चलो मुझे दोबारा देखना है मेरी स्क्रीन। अच्छा जी उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चलते हैं प्रपोजल्स के ऊपर, और सेकंड प्रपोजल में चेक करते हैं।
ठीक है। अच्छा जी, रिजवान साहब पहले आ गए हैं। हाय, आर यू लुकिंग फॉर समवन हु कैन सेटअप पेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स? आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर विद मोर देन 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन द फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएशन ऑप्टिमाइजेशन, ऑल्सो फेसबुक पेज मैनेजमेंट। आई एम यू एट दिस वेबसाइट सो आई कैन प्रोवाइड यू द सैम्पल ऑफ माई वर्क। ठीक है। Along with Facebook page management, I will create your page automatic responses. I am offering this. Get postings from business like ठीक है रिजवान साहब, आपका सेकेंड प्रपोजल भी जो है वो ठीक है। उसके बाद स्किल स्क्रीन इशू मैं एक दफा चेक कर लेने में इशू आ क्या रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अभी इशू देख लेते हैं अगर स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। उतनी देर रिजवान साहब, आपके प्रपोजल जो है वो दोनों ठीक है। ठीक है, आप इस पे जो है वो फर्दर आगे काम जो है वो कर सकते हैं। और प्रोफाइल्स अगर मुझे आप कमेंट में बता दें कि प्रोफाइल आपने जो है वो प्रॉपरली जो है वो आपकी कौन कौन सी एक्टिव है, पीपीएच आपकी अप्रूव हुई नहीं हुई। अगर नहीं भी हुई तो जो बाकी रिमेनिंग आपकी जो है वो चीज़ें लाइक फ्रीलांसर गुरु और ये चीज़ें अगर एक्टिव हैं तो उस पर जो है वो हम लोग काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मुश्तबा सलीम साहब है, अभी तक इन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद अमार साहब जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं हमें। अमार साहब जो है वो आई हैव रीड योर जॉब डिस्क्रिप्शन यू नीड। अच्छा, ये चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है हमारे साहब। लाइक ये एक ना प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है हमारा, ठीक है। इसमें ये हमने टैक्सिंग वाले जो है वो चीज़ें जो है वो नहीं लिखनी, जिस तरह ये आपने यू जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर आप लोगों ने वाई यू या इस तरह से जो है वो शॉर्ट चीज़ें जो कि हम लोग आम लैंग्वेज के अंदर जो है वो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं वो आपने जो है वो नहीं करनी जो टैक्सिंग के दौरान करते हैं। प्लस इसमें कुछ और इश्यूज हैं जो कि मैं हमेशा कहता होता हूँ, आई हमेशा जो है वो कैपिटल होता है, ठीक है। आपने ये आई शोर जी तो लिखा है लेकिन आई को जो है वो स्मॉल करती है, तो आई हमेशा कैपिटल होता है। और प्लस ये जो डॉट होता है ये दरमियान में नहीं होता या सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं होता, सेंटेंस के जो है वो एंड पे जो है वो डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो आपने ये यहाँ पे ये डॉट है ये भी स्पेस के बाद जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो आपके पास सेकंड डॉट है ये भी आपने जो है वो स्पेस के बाद जो है वो ऐड किया हुआ है। तो कल भी मैंने बोला था कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो आप लोगों ने नहीं करनी, ये चीज़ें जो है वो याद रखें। ग्रामर की मिस्टेक्स जो है वो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इसको याद रखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आई हैव रीड योर जॉब डिस्क्रिप्शन यू नीड सोशल मीडिया मैनेजर फॉर मैनेजिंग फेसबुक पेज एंड डेली पोस्टिंग अबाउट योर प्रोडक्ट। आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2 इयर्स एज सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेज डजंस ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक दैट, आई कैन प्रोवाइड यू सैंपल्स। बाकी ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब्दुल्ला साहब हैं। हाय, आई सी यू वांट टू हैव अ फेसबुक पेज विद एन ऑटोमेटिक पोस्टिंग सिस्टम बाय दिस सिस्टम इफ यू मीन वेर देर इज अ स्केड्यूल पोस्ट। अच्छा, ये जो जॉब थी बेसिकली ऑटोमेटेड पोस्टिंग सिस्टम, ये उस टाइम होता है, हम ब्लॉगिंग में भी करेंगे। जस्ट एग्जाम्पल वर्डप्रेस की हमारी जो अगर वेबसाइट है तो हम लोग चाहते हैं कि अगर जैसे मैं कोई न्यू ब्लॉग पोस्ट करूँ, कोई भी पोस्टिंग करूँ, तो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पेज के ऊपर चला जाए। तो इसके लिए वो प्लगइन्स वगैरह होते हैं, तो ये बैकएंड पे शायद हमें उसकी भी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी।
But I suggest that you go with a Python oriented automatic bot. I have experience in both Facebook page marketing and Python bot creation. अच्छा अब्दुल्ला साहब ये जरा मुझे कमेंट्स में बता दें कि पाइथन के जरिए फेसबुक मैसेंजर बोट जो है वो बना सकते हैं आप? अगर बना सकते हैं मुझे कमेंट्स में एक दफ़ा बता दें ताकि मुझे इसका आइडिया हो जाए. बोट विल बी एबल टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट्स यू वांट ऑन प्रोडक्ट्स एंड ऑल डिस्क्रिप्शन फ्रॉम डिजायर. ठीक है जी. उसके बाद हसन अली साहब है. हसन अली साहब हाय, आर यू लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प सेट automated Facebook group in the electronics. I have been working in Facebook page creation optimization. I am using formally. ठीक है, ठीक है. हसन साहब आपके भी जो लाइक जो है वो प्रपोजल जो है वो ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं. आयशा साहब का हम सारे आई एम आप प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटर कैन इजीली असिस्ट यू setting a Facebook business page. I have plenty of experience in handling groups activities of this. अच्छा ये अगर जॉब के ऊपर जो है वो आप सब लोग आए तो जॉब थी आई वॉन्ट टू हैव समवन हु कैन हेल्प मी. आई वॉन्ट टू हैव समवन हेल्प मी ऑटोमेटिव Facebook group where I will not be talking to anyone but posting deals from the site like AliExpress. Maybe design eye catching page so that you can join, but this would be automated. We will discuss as well. We automatically ye cheezein jo hai wo cha rahe hain ki wahan se jo hai wo iske andar jo hai wo aati jaye to jo bhi deals wagaira hongi to pehle page और फिर पेज को लिंक करना है आपने ग्रुप में. तो अभी जितने भी ये आप लोगों ने कमेंट्स वगैरह किए हुए हैं, जितने भी ये मेरे पास अभी कमेंट्स आए हैं सारे, इसमें जो मोस्टली आप लोगों ने सिर्फ फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो फोकस किया हुआ है, ग्रुप्स के ऊपर जो है वो फोकस आपने नहीं किया हुआ. तो ये चीज़ जो है वो माइंड में रखें. क्लाइंट की जॉब डिस्क्रिप्शन बेशक एक लाइन के ऊपर जो है वो हो, लेकिन वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपरली पढ़ें, उसको समझें और उसके बाद जो है वो आप लोग उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो इसके अलावा अच्छा मैं कमेंट्स जो है वो देख लूँ. जिन साहब आपका प्रपोजल मैं चेक कर चुका हूँ, उम्मीद है आपको पता लग गया होगा. प्लीज़ एलेबरेट दीज टू पॉइंट्स, एड कैंपेन एंड फेसबुक ग्रुप. अच्छा ग्रुप्स बेसिकली तीन किस्म के ग्रुप्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट और सीक्रेट. पब्लिक में जो भी पोस्टिंग वगैरह हो रही होती है, जिस तरह मुख्तलिफ बाय एंड सेल ग्रुप्स वगैरह होते हैं, वो पब्लिकली सबके पास जो है वो डाटा जा रहा होता है. प्राइवेट ग्रुप्स जिस तरह का ये आपका यूईटी टेक्सला का ग्रुप है कि सिर्फ इसमें जो मेम्बर्स हैं उन्हीं के पास वो पोस्ट और चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं, किसी और के पास ये चीज़ें नहीं जाएंगी. और सीक्रेट ग्रुप्स जो होते हैं कि सिर्फ जिनको ग्रुप एडमिन ही इन्वाइट कर सकता है, वो सर्चेज वगैरह में नहीं आते. तो अभी क्योंकि फेसबुक पेज की रीच जो है वो बहुत कम हो गई है, आप लोगों को ये चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए कि जस्ट इन केस अगर आपके पेज के ऊपर जो है वो 100 लाइक्स हैं, तो आप अगर कोई भी पोस्ट करते हो तो उसमें से अगर वो लोग इंगेज नहीं है आपके पेज के साथ, ऑलरेडी इंगेज नहीं है, तो मैक्सिमम 7-8 लोग जो है वो 10 लोग आपकी पेज पोस्ट को देख सकेंगे. ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया हुआ है. दोबारा से बता रहा हूँ, अगर 100 लोगों ने आपका पेज जो है वो लाइक किया हुआ है लेकिन इंगेज जो है वो नहीं होते कंटेंट के ऊपर, और आप कोई भी पोस्ट करते हो, तो सिर्फ 5 से 7 बंदे या मैक्सिमम 10 बंदों तक वो पोस्ट जो है वो जाएगी, बाकी सबको जो है वो शो नहीं होगी. क्योंकि फेसबुक ने रीच जो है वो लिमिटेड कर दी है. रीच मीन्स कि कितने लोग जो है वो आपका कंटेंट जो है वो देख सकेंगे. और फिर उसके बाद नया पैराडाइम शिफ्ट समझ लें, या मार्केटर्स ने काम बेसिकली क्या करना शुरू कर दिया, ऑडियंस को जो है वो ग्रुप्स में ऐड करना जो है वो स्टार्ट कर दिया. और अब ग्रुप्स में बेसिकली क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े मार्केटिंग ग्रुप्स हैं उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए और वहाँ पे अगर कोई पोस्ट करते हैं, तो जस्ट एग्जाम्पल अगर 1 लाख बंदा भी उसमें मौजूद है ग्रुप में, तो वो जो भी पोस्ट करते हैं वो 1 लाख बंदे तक जो है वो पहुँचती है. उन सबको एटलीस्ट नोटिफिकेशन जाता है और वो आगे देखते हैं, नहीं देखते वो
क्या प्रॉब्लम है। और फिर अगेन अगर तो हम लोग जो है वो इंगेज हो रहे होंगे उस ग्रुप के ऊपर, फिर तो हमें जो है वो सारी चीजें पता चल रही होंगी। लेकिन अगर हम लोग जो है वो इंगेज नहीं हो रहे तो वो नोटिफिकेशन भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमें शो जो है वो नहीं होंगे। तो ग्रुप्स आजकल मोस्टली पेज के साथ जो है वो ग्रुप्स को अटैच कर दिया जाता है, और लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है वो साथ साथ जो है ग्रुप्स के ऊपर भी जो है वो अपडेट जो है वो रहे। तो ये ग्रुप है एड कंपेन जो है वो पेड एड्स वगैरह जो है वो आपके पास होते हैं, पेड एड्स जो है वो हम लोगों ने करने हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों को एक प्रॉपर फनल के थ्रू मैं लेके चलना चाह रहा हूँ, ताकि पहले सोशल मीडिया जो डेली पोस्टिंग वगैरह है डेली बेस पे उसकी समझ आ जाए, उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम लोग फेसबुक एड्स जो है वो करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है सर, ठीक है मुतिबा साहब, उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गई होगी इन दोनों चीज़ों के अंदर। रिजवान साहब, PPH नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन, ठीक है जी। बाकी प्रोफाइल्स पे आप लोग काम कर सकते हैं। रवि साहबा की सर फाइबर और गुरु एक्टिव है। रवि साहबा, आपके मैंने प्रपोजल्स जो है वो नहीं देखे, दोनों पोस्ट पे आपने कोई प्रपोजल सेंड किया वो नहीं किया। हर किस्म के बोर्ड बना सकते हैं। तो अब्दुल्ला साहब, मैं रिकमेंड करूंगा एक अच्छा सा बोर्ड जो है वो अपने पेज के लिए बनाए, उसको मार्केट करें, ठीक है। एक अच्छा सा बोर्ड ऑटोमेटिक रिप्लाइज के साथ अपने ही पेज के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करें, और वो फिर आगे जो है वो इसकी गिग भी बनाए मैसेंजर बोर्ड की पाइथन वगैरह के लिए, उसमें उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मैं इंशाल्लाह रिकमेंड कर दूंगा। आपके पास एक ऑलरेडी स्किल है और आप अगर कर सकते हैं तो लाजमी करें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, अभी एक अपना ही बोर्ड बनाए पेज के लिए, और उसके बाद फिर आगे जो है उसको हम लोग जो है वो फर्दर मैं आपको इंशाल्लाह तरीका बता दूंगा कि किस तरह से इसको प्रमोट करना है। सर ऑटोमेटिक फेसबुक ग्रुप्स और पेज दोनों के लिए बोर्ड्स होते हैं। ग्रुप्स के लिए बोर्ड्स मेरा नहीं ख्याल बोर्ड्स बनते हैं, ना मैंने आज तक सुना है। पेजेस के लिए बोर्ड्स बनते हैं, तो पेज पे हम लोग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। सर अपर गुरु फ्रीलांसर फाइवर एक्टिव है, चलें ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है जो आज हमने पहले नंबर पे जो है वो डिस्कस करनी है। एक तो प्रपोजल्स ठीक थे आप लोगों के, ठीक है। प्रपोजल सेंड करने के हवाले से गाइडलाइंस मैं दोबारा जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। गाइडलाइंस क्या है कि ट्राई करें सिर्फ उसी जॉब के ऊपर प्रपोजल आपने सेंड करना है जिस पे अप टू 5, ये एक समझ लें कि ड्रीम गोल है। जॉब जैसी पोस्ट हुई उस पे अगर 5 से कम जो है वो प्रपोजल सेंड हुए हैं तो फौरी जो है वो उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करें, उसके लिए वेट ना करें, मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा। सेकेंड चीज, आपने जो है वो स्पेशली फ्रीलांसर के ऊपर प्रपोजल सेंड करने से पहले क्लाइंट की हिस्ट्री लाजमी जो है वो चेक कर लेना कि इसने पीछे पहले जो है वो प्रीवियस टाइम पीरियड में कितने ऑर्डर्स कंप्लीट करवाए हैं। अगर वो न्यू है क्लाइंट तो आपने उसके ऊपर प्रपोजल सेंड नहीं करना। दोबारा सुन लें, अगर फ्रीलांसर, स्पेशली फ्रीलांसर की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट हिस्ट्री लाजमी चेक करें। अगर क्लाइंट जो है वो न्यू है तो आपने उसके ऊपर जो है वो प्रपोजल सेंड नहीं करना, ठीक है। ये चीजें जो है वो याद रखें। और थर्ड चीज जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ट्राई करें जो प्रपोजल आप लोग सेंड कर रहे हैं, जो भी टाइम पीरियड है किसी क्लाइंट का, जैसे एग्जांपल US का, तो ऑलमोस्ट 9 से 12 घंटे का हमारा डिफरेंस है मुख्तलिफ स्टेट्स का उनका, तो ट्राई करें एटलीस्ट जो प्रपोजल्स हैं शाम 6 बजे के बाद, या जो आइडली आइडियली 9 बजे के बाद जो है वो प्रपोजल जो है वो सेंड करें, क्योंकि तो उस टाइम लाइक उनका ऑफिस टाइम जो है वो शुरू हो चुका होगा और ज्यादा चांसेस है कि आपका प्रपोजल जो है वो पढ़ा भी जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं, इसी तरह टाइम टू टाइम इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर गाइड जो है वो करता चला जाऊंगा कि आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से मैक्सिमम जो है वो उठ लेनी है। तो क्योंकि हमारे पास लिमिटेड जो है वो अवेलेबल होते हैं प्रपोजल्स, लिमिटेड हम लोग जो है वो सेंड कर सकते हैं, तो इसलिए जो सेंड करें स्पैमिंग नहीं करनी। स्पैमिंग का ये मतलब नहीं है कि इसी तरह से सेंड करते रहे, जॉब प्रॉपर पढ़े
और अगर आपको लगे कि मैं ये काम जो है वो कर सकता हूँ, तो फिर हम लोग जो है वो उस पर लाजमी प्रपोजल जो है वो सेंड करना चाहिए। अच्छा जी, सर प्रपोजल को 100% क्लाइंट पोस्ट के साथ मैच करने की टिप्स बता दें, क्योंकि जब प्रपोजल मैच होता है तो क्लाइंट को स्टार्ट में शो होता है। चले मैं अभी इसको इंशाल्लाह राबी साहब अभी जो है वो डिस्कस कर देता हूँ, तो आपको इंशाल्लाह उसकी जो है वो समझ आ जाएगी। अच्छा अभी जो नेक्स्ट टिप, अभी 3 टिप्स जो है वो मैंने दी है, 4th टिप क्या है, अपने प्रपोजल्स को अच्छा करने के लिए कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी। ये मैं ऑलरेडी जो है वो आप लोगों को कल में बड़ा डिटेल से बता चुका हूँ, कॉपी पेस्टिंग कभी नहीं करनी, लेकिन बेंचमार्किंग कर सकते हैं। बेंचमार्किंग क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो देखें आजकल क्या चल रही है। तो लकीली हमारे पास एक ऑप्शन जो है वो फ्रीलांसर के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। फ्रीलांसर पे हम लोग जो है वो अपने कंपेटिटर्स के जो है वो प्रपोजल्स जो है वो देख सकते हैं कि हमारे कंपेटिटर्स ने जो है वो जस्ट एग्जाम्पल क्या क्या जो है वो पोस्टिंग जो है वो कौन से प्रपोजल जो है वो सेंड किए हुए हैं। तो इसी को अभी जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है वो अपने प्रपोजल जो है वो बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखनी है आपने कि माइंड में ये जो है वो नहीं लेके आना कि मेरा प्रपोजल जो है वो बहुत अच्छा जो है वो हो चुका है और मुझे आगे फर्दर जो है वो किसी किस्म की जो है वो इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल एक मैंने सैम्पल प्रोफाइल जो है वो बनाई हुई है इसके ऊपर, और इवन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये 60% कंप्लीट है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो प्रपोजल्स इसके ऊपर सेंड कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने बेसिकली जो है वो करना क्या है, हम लोग यहाँ पे ब्राउज पे आएंगे और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो हम लोगों ने क्लिक कर देना। अभी तक जो मैंने टिप्स दी हैं वहाँ तक अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, और फ्रीलांसर की अगर विंडो पे आप सब लोग जो है वो आ चुके हैं, जिस तरह के मैं ब्राउज पे क्लिक करके आया हूँ, आप लोग मेरी स्क्रीन भी देख रहे होंगे, यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं ताकि मैं उसका आंसर दे दूँ और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो चलूँ। यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं ताकि उसका मैं आंसर दे दूं, और उसके बाद फिर जो है वो आज का जो मेन हमारे टॉपिक्स हैं, जो मेन चीज़ें मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्कशंस हैं, उनके हवाले से मैं जो है वो आप लोगों को गाइड कर दूं। ठीक है जी, अब्दुल्ला साहब ने बोला है जी क्लियर है, बाकी भी मुझे जल्दी से बता दें ताकि आगे जो है वो नेक्स्ट मैं ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट करूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रीलांसर के ऊपर। सबसे पहले तो अभी आप लोगों ने जब प्रोफाइल बनाई है तो आप लोगों को 8 प्रपोजल्स मिले हैं, मीन्स आप लोग 8 जॉब्स के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 8 जॉब्स आप लोगों ने जो है वो माइंड में रखनी है इट्स 12 o'clock। 8 जॉब्स आपने ऐसी 8 जॉब्स पे अप्लाई करना है जो आपसे रेलिवेंट हो। अब इस पे एक और थोड़ा सा मैं प्रोसेस जो है वो आप लोगों को बता दूं कि जी आशीष साहब, अभी मैं जो है वो बताने लगा हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने प्रपोजल चेक करना है, वो उसी की तरफ जो है वो मैं जा रहा हूँ। जब आप लोग फ्रीलांसर के ऊपर प्रोफाइल बनाएंगे, 8 प्रपोजल जो है वो आपको मिले हुए हैं, 8 बिड्स जो है वो आप लोग कर सकते हैं। जो भी बिड आप लोग करेंगे उसके बाद फ्रीलांसर की आपको ईमेल आती है जिसमें आपकी बिड क्वालिटी बताई जाती है। आपने वो बिड क्वालिटी 80% से ऊपर मेंटेन करनी होती है।
अभी कुछ लोगों के प्रपोजल जो है वो अच्छे थे, उनकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो 80% से ऊपर थी मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर 80% से ज्यादा या 100% एटलीस्ट जो है वो आप लोग अपनी बिल्ड क्वालिटी जो है वो रखेंगे, वो आपको सजेशन के साथ दे देंगे क्या चीज़ आपने जो है वो करनी थी। अगर सजेशन नहीं भी मिलती तो आपको खुद से जो है वो आइडिया हो जाता है कि मैंने क्या गलती की है। तो अब नेक्स्ट जो बिड्स आपको मिलनी है वो डिपेंड करेंगी आपकी बिड क्वालिटी के ऊपर। अगर आपकी बिड क्वालिटी कंसिस्टेंटली जो है वो लो है, 50% आ रही है, 60% आ रही है, 30% आ रही है, तो माइट भी आपको जो नेक्स्ट बिड मिलनी है वो हफ्ते बाद मिले, 2 हफ्ते बाद जो है वो मिले। क्योंकि ये आप लोगों को एक किस्म का पिनलाइज कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से प्रॉपरली जो है वो बिड सेंड नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपकी बिड क्वालिटी जो है वो 100% जो है वो रहती है, 80% से जो है वो ऊपर रहती है, तो माइट भी आपको नेक्स्ट बिड जो है वो 24 घंटे बाद मिल जाए, 48 घंटे बाद जो है वो मिल जाए। तो इस तरीके से आपके प्रपोजल्स या बिड करने की जो सलाहियत है वो बढ़ती चली जाती है बेस्ड ऑन बिड क्वालिटी, ठीक है। और फिर जब आपके पास जो है वो काम इतना ज्यादा हो जाए तो आप लोग जो है वो बिड्स परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में मैं अभी आप लोगों को जो है वो रिकमेंड नहीं कर रहा। तो इस चीज की अगर समझ आ गया तो मुझे बताएं, दोबारा से मैं समझा रहा हूँ। फ्रीलांसर के ऊपर अभी आप लोगों को 8 प्रपोजल, 8 बिड्स मिली हैं, आप लोग 8 जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका प्रपोजल अच्छा होगा, रेलिवेंट होगा, जॉब क्लाइंट की जो भी जॉब होगी उससे रेलिवेंट, तो आपको ईमेल्स में आपकी बिड क्वालिटी जो है वो आती चली जाएगी। आपने मेंटेन रखनी है मोर देन 80%, या आइडियल साइज है कि आपने जो है वो 100% उसको मेंटेन करना है। अगर वो मेंटेन करेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट बिड जो है वो 24 घंटे बाद भी मिल जाएगी, ठीक है, और या 48 घंटे बाद मिल जाएगी। अगर बिड क्वालिटी आप लोग जो है वो इंक्रीज नहीं करते, लेस देन 80% रहती है, तो माइट भी आपको नेक्स्ट बिड हफ्ते बाद मिल गया या 2 हफ्ते बाद मिल गया। फोटो एनालाइज द बिड क्वालिटी। जब आप इसमें ये होगा, एक तो आपने जो प्रपोजल भेजना है डिटेल्ड प्रपोजल, फ्रीलांसर्स वाले जो है वो कहते हैं रवि साहबा प्रपोजल आपका डिटेल्ड होना चाहिए। अगर जॉब उसने एक लाइन के अंदर भी लिखी हुई है, जैसे एग्जाम्पल ये अभी मेरे पास सेकंड जॉब आ रही है, डू सम डाटा एंट्री वर्क, आई नीड यू टू फिल अ सेपरेट शीट विद डाटा, आई हैव मोर नॉलेज इन एक्सेल, ठीक है। अब ये आपके पास एक जो है वो जॉब आ रही है, अब आप क्या करते हैं, अच्छा ये जॉब है एक लाइन के अंदर इसने लिखा है, मैं 3-4 लाइन्स के अंदर प्रपोजल इसके ऊपर लिख के सेंड कर देती हूँ। उससे क्या होगा, क्लाइंट जो है वो क्लाइंट तो फिर भी बाद में आएगा, पहले फ्रीलांसर वाले कहेंगे कि आपने प्रपोजल जो है वो सही तरीके से सेंड नहीं किया। तो ये चाहते हैं कि आप डिटेल्ड प्रपोजल जो है वो इन्हें जो है वो सेंड करें। डिटेल्ड प्रपोजल आपने हर जॉब के ऊपर सेंड करना है, उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें अगर डिस्कस करेंगे, 3-4 जो है वो पैराग्राफ डिफरेंट आपने बना लिया है, तो चलो आपका क्वालिटी जो होगी वो 100% जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ, यहाँ पे आओ, या मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो देख रहे हैं मेरे पास, मुख्तलिफ जॉब्स जो है वो आई हुई हैं, ठीक है। और ये देखें, अब ये जो ऊपर वाली मेरे पास जॉब्स हैं, अभी रेंडमली मैं चेक कर रहा हूँ, इंक्रीज रेफिलिंग डाटा एंट्री वर्क एडिशनल ऑडिटर इन दुबई, ये यहाँ पे क्या आ रहा है, नो जॉब कम्प्लीटेड, नो जॉब कम्प्लीटेड, नो जॉब कम्प्लीटेड। मैं रिकमेंड करूँगा इनके ऊपर आप लोगों ने अप्लाई भी करना, जिनका ये क्लाइंट हिस्ट्री आ रही है नो जॉब कम्प्लीटेड, इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना। यहाँ पे आपके चांसेस ऑफ फ्रॉड जो है वो बढ़ जाएंगे, इनके ऊपर आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना। आपने अप्लाई किन के ऊपर करना है, ये देखें, ये क्लाइंट हिस्ट्री है, प्रीवियसली इसने क्या किया हुआ, 19 रिव्यूज है, 4.9 रेटिंग है, यानी ये ट्रस्टेड जो है वो बेसिकली बायर है। अगर इसकी जॉब के ऊपर आप लोग अप्लाई करते हैं तो फ्रॉड के चांसेस जो है वो ना होने के बराबर है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आ रहा है, इसके 2 रिव्यूज आ रहे हैं, मीन्स ये भी जो है वो ट्रस्टेड बायर है, ठीक है। अगेन नो जॉब कम्प्लीटेड, नो जॉब कम्प्लीटेड, ये मुख्य चीज़ें जो है वो आ रही है। और खैर मैं अब क्या आता हूँ, ये मेरे पास एक जॉब आ रही है, ठीक है, फेसबुक ऐड से रेलिवेंट, इसके ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं, चेक करते हैं इसकी जॉब को। मीनवाइल नेक्स्ट और जो है वो जॉब देख लेते हैं। अच्छा ये एक और चीज़ शायद मुझे जो है वो नज़र आई है, ये
आप लोग भी अपने से रेलिवेंट एक दफा जो है वो जॉब्स फ्रीलांसर पे चले जाएं, जो भी आप लोगों की स्किल से रेलिवेंट है जॉब्स निकालने, आगे जो जो मैं स्टेप्स अपनी तरफ से जो है वो परफॉर्म करता चला जाऊंगा, वो आप लोग जो है वो अपनी अपनी तरफ से भी जो है उसको परफॉर्म कर लें, और ये आपके लिए जो है वो ज्यादा इजी होगा इस चीज को जो है वो समझना कि रिलेटेड जो है वो जॉब्स के ऊपर प्रपोजल जो है वो हम लोग किस तरीके से जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक जॉब जो है वो ओपन हो गई है, प्रोजेक्ट डिटेल्स मेरे पास आ गई है, न्यू सर्च प्रोडक्ट है मेड फॉर डिफरेंट एनिमेटेड एडवर्स, ये लाइक ग्राफिक डिजाइन से शायद रेलिवेंट है, हैव लिमिटेड डेट सेट्स बट व्हाट वी हैव इज अच्छा, यानी जो चीज़ें ये भी इनकी तरफ से भी जो प्रोवाइड की जाएंगी लिमिटेड एसेट्स हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग एसेट्स हैं उनके ब्रांड से रेलिवेंट, तो इसके ऊपर जो है वो प्रपोजल अभी अगर हम लोग चेक करना हो, यहाँ पे प्राइस आ रही है $250 से लेकर 750, और ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ठीक है, और बिडिंग एंड इन 6 डेज 20, यानी तकरीबन 7 दिनों में ये बिडिंग एंड हो जाएगी। रिक्वायर्ड स्किल्स फेसबुक मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, एनिमेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये क्लाइंट की हिस्ट्री है आपके पास, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है, 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट है, ये रिव्यूज इसको मिले हुए हैं 2 जुलाई 2017 से है, आइडेंटिटी वेरीफाइड ठीक है, पेमेंट वेरीफाइड, ये चीज़ें जो है वो इसकी आ रही हैं। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये प्रपोजल किस तरह से मैंने भेजना है, किस तरीके से माइलस्टोन वगैरह बनाने हैं। प्रपोजल अगर मैंने देखना हो तो ये जॉब के साथ जैसे ये डिटेल आ रही है इसके साथ ये प्रपोजल लिखा आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चलें जी, अब ये जैसे ही आपने प्रपोजल के ऊपर क्लिक किया, अब आपके पास ये जितने दूसरे लोगों ने इसके ऊपर प्रपोजल सेंड किया हुआ है, जितनी बिड अमाउंट आ रही है, कितने दिनों में काम जो है वो करके देंगे, ये सारी चीजें जो है वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे पहला जो है पहली बिड जो टॉप पे बिड आ रही है रेंडर ब्रिक्स कोई एजेंसी प्रोफाइल है और इन्होंने किया है, इसका अगर जो है वो मैं प्रपोजल देखो रीड मोर पे आएंगे, रिस्पेक्टेड हायरिंग मैनेजर, आई एम वर्किंग एज अ वीडियो एनिमेटर एंड वीडियो प्रोडक्शन सिंस लास्ट 10 ईयर्स, आई एम स्पेशली डूइंग प्रमोशनल मार्केटिंग प्रोडक्ट दिस माई वेज इज टू अप्लाई अ जॉब इंश्योर टू, अब इंश्योर भी इसने देखें जो है वो गलत लिखा हुआ है, दैट आई गिव टू द माई बेस्ट, और ये मेरा प्रोडक्ट जो भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सारा, और ये पता नहीं कौन सा कंट्री है इनका जो है वो प्रपोजल पड़ा है, डियर कस्टमर आई हैव रिव्यूड योर सर्फ एड एनएएस प्रोडक्ट फॉर फेसबुक प्रोजेक्ट ब्रीफ एंड इट विल बी प्लेयर टू डिस्कस द प्रोजेक्ट इन मोर डिटेल, माय गोल इज टू ब्रिंग योर ब्रांड प्रोडक्ट्स एंड कैंपेन फॉर द नेक्स्ट लेवल, आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग इन अडोब सीसी, आई कैन आल्सो प्रोवाइड यू विद एनिमेशन स्टॉक फुटेज मोशन ग्राफिक्स, ये जो भी रिलेटेड थे उनसे आ गए ठीक है। अगेन ये पता नहीं किस कंट्री का जो है वो फ्लैग है, ये जो है वो मेरे पास चीज़ें जो है वो आ गई हैं, अगेन इंडिया से हैं और फर्दर फिर जो है वो इंडिया की तरफ से हैं, चेक माय पोर्टफोलियो, ये इन्होंने डिटेल दिया, पाकिस्तान से हैं जो विकास साहब, उन्होंने जो है वो किया होगा ठीक है। तो ये जितने प्रपोजल्स जो है वो सेंड हुए होंगे हम लोग क्या कर सकते हैं वो सारे प्रपोजल देख सकते हैं और उनकी अमाउंट जो है वो यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं, तो बेस्ड ऑन हमारा प्रपोजल या जो भी हमने चीज़ें जो है वो की होंगी प्रपोजल जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह आप लोग भी क्या करें, यहाँ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो आए, वहाँ पे जो है वो देखें कि जस्ट एग्जांपल कौन सा जो है वो आपसे रेलिवेंट है, और उसका मैंने तरीका बता दिया है, जो न्यू क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कोई प्रीवियसली काम नहीं करवाया हुआ उनके ऊपर आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना ठीक है, अर्जेंट है पिक्चर पर आपके पास प्रोजेक्ट आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद
देखें, 2 बिड्स अभी हुई हैं, ऊपर 3 बिड्स हुई थी, 9 बिड्स हुई हैं। यूट्यूब सोशल मीडिया मार्केटर अर्जेंटली 750 से $1,500 का जो प्रोजेक्ट है इसको भी ओपन कर लेते हैं। कंटेंट राइटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये आम लोगों से रेलिवेंट होता है। ठीक है, डाटा एंट्री या वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब जो है वो आगे, लेकिन ये लाइक वेरीफाइड नहीं है, तो इसलिए इसको मैं चेक नहीं कर रहा। आगे आप लोगों की भी आदत हो, सिर्फ जो वेरीफाइड लोग हैं, 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स हम लोगों ने उन पे जाया नहीं करते, नहीं शायद उनमें से कोई भी जो है वो फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो ये 8 बिट्स बढ़िया सोच समझ के हम लोगों ने जो है वो यूज करनी है। एक्सेल एक्सपर्ट सोशल मीडिया पोस्ट एंड अ शॉर्ट वीडियो टू बी प्रमोटेड ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, एन आर्टिकल ऑन द वर्चुअल पावर पॉइंट कंसेप्ट जो है वो 7 बिट्स इसके ऊपर हुई है। 8 बिट डिजिटल मीडिया मार्केटिंग न्यू दिल्ली बेस्ड, कॉपी राइटिंग एडिटिंग प्रेजेंटेशन फॉर ऑनलाइन कंटेंट, ये मैं जॉब ओपन कर लेता हूँ। चलें, ये अब इनका जो है वो एनालाइज करते हैं कि इनके ऊपर प्रपोजल्स जो है वो किस तरीके से जो है वो मुख्य लोगों ने जो है वो सेंड किया हुआ है। जी मुतीबा साहबा, इन पे जो है वो बेशक शॉर्ट शॉर्ट जो है वो प्रपोजल जो है वो सेंड किया हुआ है, सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ। अभी प्रॉपरली हम लोगों ने यहाँ से सिर्फ कंसेप्ट लेना है कि किस तरीके से करना है। तो ये मोस्टली अभी हमने जितने प्रपोजल्स वगैरह देखे ये एजेंसी प्रोफाइल से जो है वो किए गए हैं। तो एजेंसीज ने नॉर्मली जो है वो पेड बिड्स जो है वो ली होती हैं, तो उनके लिए बिड क्वालिटी इतनी ज़्यादा जो है वो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो मैटर नहीं करती। ठीक है, तो आप लोग क्योंकि पेड बिड्स नहीं ले रहे, अभी फ्री बिड्स के ऊपर ही जो है वो आप लोगों ने सेंड करना है, तो इसलिए हमारा पहला गोल है बिड क्वालिटी को मेंटेन करना है हमने। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ आइडिया लेना है और गेन हम लोगों ने कॉपी नहीं करना, और यहाँ से डिटेल्ड प्रपोजल्स भी आ रहे थे, तो यही एक रीजन भी होती है कि एक जॉब के ऊपर जो है वो जस्ट एग्जांपल 15-20 प्रपोजल सेंड हुए हैं, तो उसमें से 4-5 शॉर्टलिस्ट कैसे होते हैं कि ओके उन्होंने सारे पैसे सारी चीजें जो होती हैं वो प्रॉपरली डिस्क्राइब की होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद रमसा साहब, फ्रीलांसर में क्या पेमेंट सिस्टम नहीं है? जी, एस्क्रू सिस्टम जो है वो इसके अंदर मौजूद है, और बेसिकली इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था एस्क्रू सिस्टम जो है फ्रीलांसर में। ठीक है, अभी अगेन इसके ऊपर प्रपोजल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। मैंने 3 जॉब्स अभी फर्दर जो है वो ओपन की थी, सबके ऊपर जो है वो प्रपोजल्स के ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक जो है वो कर देना है। अब ये देखें, सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन क्या नीड कंटेंट फॉर इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, वीडियो कंटेंट और ब्लॉग कंटेंट जो है वो हो सकता है। तो इसके ऊपर भी अभी जो है वो हम लोग देख लेते हैं प्रपोजल किस तरीके से लोगों ने सेंड किया हुआ है। ये जॉब थी, अब इसमें इन्होंने डिटेल लिखी हुई है, सीकिंग एडिशनल असिस्टेंट विद मार्केटिंग अ न्यू आर्टिस्ट, दिस प्रोजेक्ट आर्टिस्ट विल मेजर योर मार्केटिंग एबिलिटीज एंड फ्यूचर वर्क विल बी सर्टन फॉर दोज हु परफॉर्म अ ग्रेट जॉब, वी हैव अ लार्ज क्लाइंट डाटा बेस। और ये अच्छा, एक चीज हमेशा प्रपोजल राइटिंग के दौरान ही मुझे जो है वो एक चीज याद आ गई है, एक स्कैम होता है। स्कैम किस तरीके का होता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मेरे पास बहुत ज्यादा क्लाइंट्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, इस स्कैम से बचना है। स्कैम क्या होता है, जस्ट एग्जाम्पल, अच्छा आपकी न्यू प्रोफाइल है, मेरे पास जो है वो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स जो है वो अवेलेबल है, तो अभी ये पहला क्लाइंट है, इसका जो है वो आप मुझे काम करके दें और फिर मैं आपके काम की क्वालिटी चेक करूंगा, अगर काम मुझे पसंद आ गया तो बाकी क्लाइंट्स का काम भी जो है वो मैं आपको दे दूंगा। इस स्कैम से बचना है आप लोगों ने। आपने कहना ठीक है, वो चीज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी करंट काम का मुझे बताओ कि इस काम के मुझे क्या चार्जेस दोगे या किस तरीके से हम लोग जो है वो चलेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक स्कैम होता है कि मेरे पास बड़ा काम अवेलेबल है, ठीक है, और मैं आपको वो सारा काम जो है वो दे दूंगा, ये काम मुझे फ्री करके दो, एज अ सैंपल करके दो, तो ये चीजें जो है वो हम लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, और अच्छा जी सर, एजेंसी प्रोफाइल कब और कैसे बना सकते हैं? एजेंसी प्रोफाइल आप अभी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी रिकमेंड करूंगा पर्सनल प्रोफाइल से चलाएं,
तरीका सेम वही है जो पर्सनल प्रोफाइल का, वो आप लोग एज एजेंसी नेम बना रहे होते हैं, और उसमें प्लस हम लोग क्योंकि मेन प्रपोजल राइटिंग के लिए एक अलग बंदा भी जो है वो रखा होता है, जिसका काम ही सिर्फ प्रपोजल राइटिंग होता है, उसको पेड बिड्स लेके देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिले, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ फ्री वाला जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके भी प्रपोजल्स पे आ जाएं, और लास्ट वन जो हमारे पास आ रहा है इसके भी प्रपोजल्स के ऊपर जो है वो आ जाएं। तीनों के ऊपर प्रपोजल्स पे क्लिक कर दिया। पहला आता है कॉपी राइटिंग एडिटिंग के ऊपर, इस पे प्रपोजल जो है वो लोगों ने कैसे लिखे हुए हैं। तो पहला शायद यूएस का क्लाइंट है, ठीक है, इसका अर्ली रेट $15 है। अब ये देखें, प्रॉपर प्रपोजल लिखा हुआ है और प्रपोजल देखने से ही लगता है कि इस बंदे को वाकई जो है वो काम आता होगा। कंटेंट राइटिंग के ऊपर अगर आप लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका प्रपोजल इटसेल्फ जो है वो अगले बंदे को बता देता है कि ये बंदा कंटेंट राइटर है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आई राइट कैप्टिवेटिंग एंड प्रोफेशनल आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट एंड कंटेंट अबाउट एनी टॉपिक इन प्रोफेशनल और कन्वर्सेशनल स्टाइल ऑफ योर चॉइस। ऑल ऑफ माई वर्क इज कस्टम, वेल रिसर्च, ओरिजिनल, प्लेजरिज्म फ्री, यू विल रिसीव राइटिंग दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। अब ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है उसने बताई हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो है वो एक अच्छा प्रपोजल है, ठीक है, टू द पॉइंट प्रपोजल जो है वो उसने लिखा हुआ है। सेकेंड वन इंडियन है, इन्होंने भी, अब ये इन्होंने मोस्टली क्या किया, वो अपने जितने भी ये देखें, ये सारा उन्होंने पोर्टफोलियो, मुख्तलिफ जो पोर्टफोलियो जो है वो दिया हुआ है। ये ब्लॉग डॉट एडवेंचर पे जो है वो इन्होंने लिखा हुआ है। अमेजोन एफिलिएट के लिए उन्होंने काम किया हुआ है। फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो इन्होंने डिफरेंट पेजेस के ऊपर जो है वो काम किया हुआ है। तो आप लोग भी अपना जो है वो पोर्टफोलियो इस तरीके से बता सकते हैं। अब ये पाकिस्तान की एक प्रोफाइल है, हमारा रेट जो है वो चेक करें, लाइक एटलीस्ट इंडियंस का अगर एनालिसिस करें, जो बिट है बेसिकली उन्होंने कि $15 पर आवर जो है वो चार्ज करेंगे, एट, और पाकिस्तान जो है वो $2 पर आवर जो है वो चार्ज करेंगे, ठीक है। और अगेन सेकंड में पाकिस्तान की तरफ से ही है, $2 जो है वो चार्ज करेंगे। और अगर जो है वो आप लोग इनका जस्ट प्रपोजल देख लें, इवन 62 रिव्यूज़ हैं इनके पास। आई विल प्रोवाइड यू कॉपी राइटिंग एडिटिंग एंड वीडियो प्रेजेंटेशन फॉर ऑनलाइन एंड अदर कंटेंट, व्हाट इज योर डेडलाइन, आई अश्योर यू टू कंप्लीट योर टास्क विद टाइम एंड टास्क, आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वास्ट रेंज ऑफ एक्सट्रैक्शनल एरिया, प्लीज चेक माई प्रोफाइल एंड प्रीवियस। अब ये इन्होंने 6 ईयर्स एक्सपीरियंस लिखे हैं, लेकिन आप लोग खुद से जो है वो देख सकते हैं कि ये इनकी जो प्रोफाइल है ये इस चीज़ को जो है वो शो करवा रही है कि वाकई इनका 6 साल का एक्सपीरियंस है। ये जो इन्होंने बिल्ड की हुई है, ये 6 साल का एक्सपीरियंस आपको कहाँ से नज़र आ रहा है। अगर हम लोग सिर्फ इनको कंपेरिजन करें, पहला अगर जो है वो हम लोग प्रपोजल जो है वो देखें, जो पहला प्रपोजल जो है वो सेंड हुआ है, सेकेंड प्रपोजल और ये थर्ड प्रपोजल, तो ये किसी भी हवाले से जस्टिफाई जो है वो नहीं करते। सेम केस यहाँ पे भी है कि कोई इन्होंने रिसर्च नहीं की, कोई कुछ नहीं किया हुआ, सिंपली जो है वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है और सारी चीज़ें जो है वो उसी तरीके से हैं। उसके बाद नेक्स्ट भी इसी तरीके से है, $5। अब ये देखें एक और चीज़ के जब हम लोग प्राइस लो ऑफर कर रहे हैं ना, तो हमारे काम की क्वालिटी भी उसी तरीके से होती है, ठीक है। अब ये देखिए, अगर $5 है प्रपोजल भी $5 का ही मुझे लग रहा है, $2 है प्रपोजल भी $2 का ही लग रहा है, $2 है प्रपोजल अगेन $2 का, $5। लेकिन अगर इस बंदे ने $15 बिड की है और पहले नंबर पे आ रहा है, अमाउंट इसकी बेशक सबसे ज्यादा है लेकिन पहले नंबर पे आ रहा है, इवन इसकी जॉब कम्प्लीशन 97% है, नीचे अगर आप लोग देखें 100% जॉब कम्प्लीशन है, ठीक है, 100% जॉब कम्प्लीशन है, 99% जॉब कम्प्लीशन, लेकिन इसके प्रपोजल से ही लग रहा है कि बाकी इस बंदे को जो है वो काम आता है, ठीक है। तो हमें जो है वो इस तरीके से बताने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमें जो है वो प्रॉपर ही जो है वो काम आता हो, ठीक है। अब दूसरे के ऊपर जाते हैं, यूट्यूब या फ्री लांसिंग के लिए जो था, अभी इसमें पहले नंबर पे बांग्लादेश का जो है वो कोई भी बंदा आ रहा है, लेकिन अगेन इसका जो है प्रपोजल ना ही पढ़े तो अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे, अब ये देखें, मैं अक्सर जो है वो स्टूडेंट का जो प्रीवियसली आप लोगों को भी बता देता हूँ आइडिया, जॉब कितने की है, कितना इन्होंने बिड किया है, 1250, यहाँ पे कितना, $750,
7 दिन का, यानी एक दिन का $110 बनता है। ठीक है, इसका कितना बनता है, 6 डेज में ये कर रहा है तो तकरीबन 200, 210 डॉलर एक दिन का। ठीक है, तो मैं अभी अक्सर जो है वो कहता होता हूँ कि इसने क्या ये फूल बूटे जो है वो इस प्रपोजल में जो है वो लगाए हैं, जो इतनी बड़ी अमाउंट में ये 2 लाइनें इसमें लिखी है। खुद से आप लोग बताएं ये जस्टिफाई करता है $1,250, ये जो इसने प्रपोजल लिखा हुआ है $750 जो इसने प्रपोजल लिखा है, ये जस्टिफाई करते हैं? सब लोग जरा इसका एनालिसिस करें और मुझे बताएं कि ये लोग जो है वो जस्टिफाई करते हैं $750, $1,250। क्लाइंट ने क्यों काम देगा? इन्होंने क्या बताया हुआ है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो क्लाइंट इनको जो है वो क्यों देगा? इनको जो है वो क्यों काम जो है वो क्लाइंट देगा? अब ये देखें इस बंदे ने क्या किया हुआ है। योर वर्क इज वन ऑफ द टास्क दैट कैन बी डन परफेक्टली बाय अस, वी वर्क ओवर लिमिटेड बजट, वी आर ग्रेजुएट। अच्छा, अब ये देखें कॉपी पेस्टिंग का जो है वो नई नई चीज आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। कॉपी पेस्टिंग जॉब किस चीज की थी? फ्रीलांस यूट्यूब सोशल मीडिया मार्केटर नीडेड अर्जेंट। अब ये देखें माशाल्लाह सोशल मीडिया मार्केटर क्या कर रहे हैं, हेयर देयर इज नो मनी फॉर बैड वर्क, इनकम्प्लीट वर्क इज रेलेवेंट दिस, वी आर गुड एट जावा, ASP, डॉट नेट, एंड्रॉयड, एजेक्स, ये सारी जो इसने ये चीजें जो है वो लिख दी हैं। इसमें कहाँ पे है जो सोशल मीडिया मार्केटर जो है वो कहीं से भी आपको जो है वो लग रहा है? और अब ये इस तरह के लोग क्या करते हैं, कंपटीशन भी जो है वो खराब करते हैं। ठीक है, ये अब कंपटीशन भी खराब कर रहा है और हमारे लिए नंबर्स भी इंक्रीज कर रहा है। हमें क्या नजर आ रहा है, 20 जो है वो प्रपोजल लोगों ने सेंड किए होंगे और 20 में शायद जो है वो 15 लोग इसी तरीके से हों जिन्होंने रेलिवेंट प्रपोजल सेंड किया, और हम लोगों ने सिर्फ इसलिए प्रपोजल जो है वो सेंड नहीं किया कि इस पे ऑलरेडी 20 प्रपोजल सेंड हुए हैं। तो ये बिल्कुल इररेलीवेंट चीज, ये होता है कॉपी पेस्ट का नुकसान कि इसने शायद एक आधी चीज पढ़ी होगी, कॉपी की और पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये फाह साहब है कोई पाकिस्तान के, इन्होंने जो प्रपोजल लिखा हुआ है, लेकिन ये जब मैं समझता हूँ कि इस पे कोई भी अच्छा प्रपोजल जो है वो सेंड नहीं होगा, और स्टिल मेरे अकॉर्डिंग इस इन प्रपोजल्स की बेस के ऊपर क्लाइंट ने डिसाइड भी जो है वो नहीं करना, क्योंकि अगेन सोशल मीडिया में ये मैं ऑलरेडी भी जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हम लोग प्रपोजल से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, प्रपोजल से जो है वो जान छुड़ाते हैं। ठीक है, तो इस पे जो है वो खसूसी तवज्जो करें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट था अगेन कंटेंट राइटर। अब इसमें अगर जो है वो हम लोग देखें, मुदस्सिर साहब है पाकिस्तान के, $25 जो है SGD, मेरे माइंड में क्या है ये प्रपोजल लिखा हुआ, आई कैन राइट SEO फ्रेंडली कंटेंट फॉर योर कंपनी, आई वुड लाइक टू नो अबाउट द प्रोजेक्ट इन चैट, एस हाई नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड और दिस दिस दिस, ये चीज़ें आ गई। अगेन पाकिस्तानी ही है कोई, राबिया आई रिपीट, अच्छा प्रपोजल है इनका भी। उसके बाद टॉप क्वालिटी एक्सपर्ट माशाल्लाह पाकिस्तान के हैं, सारे पाकिस्तानी माशाल्लाह जो है वो इन्होंने प्रपोजल जो है सेंड किया। ठीक है, लेकिन अगेन अब एटलीस्ट आप लोगों को भी प्रपोजल देख के जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो आइडिया हो गया होगा कि कौन सा प्रपोजल जो है वो जस्टिफाई करता है और कौन सा प्रपोजल जो है वो जस्टिफाई जो है वो नहीं करता। तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था कि किसी जॉब के ऊपर भी प्रपोजल अगर भेजना शुरू करें तो पहले एटलीस्ट फ्रीलांसर पे आपके पास ये चीज़ जो है वो मौजूद है कि आप लोग जो है वो अपने कंपेटिटर्स के प्रपोजल देखें और उसके बाद अपना एक अच्छा सा प्रपोजल जो है वो लिखें। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अपने कंपेटिटर्स के प्रपोजल जो है वो कैसे देखने हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं ताकि उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूं, और उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट के ऊपर जो है वो चलते हैं।
कमेंट्स में मुझे बता दें अगर किसी का कोई स्टिल क्वेश्चन आया तो मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक प्रॉपर प्रपोजल फ्रीलांसर पे हम लोग जो है वो भेज के देखते हैं कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। कुछ लोगों को ऑलरेडी जो है वो चीज़ों का आइडिया होगा, लेकिन जो न्यू लोग हैं उनके लिए शायद कुछ चीज़ें हों जो उनके लिए अच्छी हों। फ्रीलांसर पे हम कोई भी प्रोजेक्ट सर्च करें अकॉर्डिंग टू उसकी, तो उस पर बिड कर सकते हैं जी। आप कर सकते हैं अभी, जिस तरह मैंने यहाँ पे जो है वो सर्च की है और लिंक्डइन मैंने जो है वो लिखा है, तो लिंक्डइन से रेलिवेंट जितनी जॉब्स हैं वो मेरे पास आ गई हैं और उसमें से मैंने जो है वो दो जॉब्स जो है वो निकाल ली हैं। और पहली जॉब है हेल्प विद रेज्यूमे जॉब एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ मी कवर लेटर। आई नीड योर हेल्प टू हेल्प मी रीचेक एंड एडिट इफ नीडेड बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच फॉर माई प्रोफेशनल रेज्यूमे कवर लेटर एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। हेल्प मी टू अप्लाई स्टैंड आउट फॉर वन ऑफ द जॉब एप्लीकेशन ऑन माई बिहाफ स्ट्रिक्टली सूटेबल एडिटेबल। अच्छा, ये एक तो लाइक क्लाइंट इंडियन है। यहाँ पे एक और मेरी तरफ से जो है वो टिप है आप लोगों के लिए, ट्राई करें। अभी माशाल्लाह नया नया कैरियर आप लोगों का स्टार्ट हो रहा एज अ फ्रीलांसर, तो परहेज करें इंडियंस से, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, फिलिपिनी, इन लोगों से थोड़ा सा परहेज करें। ठीक है, ट्राई करें आपका आइडियल क्लाइंट या जो माइंड में आपके क्लाइंट चल रहा है वो US, UK, कनाडा वगैरह के हों। ठीक है, तो और फर्दर जो है वो देख लेते हैं, अगर कोई एग्जाम मिलती है तो भाई सिर्फ मैं आपको तरीका समझा देता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो करना क्या है। सोशल मीडिया गुरु, अब ये देखें सोशल मीडिया की अच्छी खासी जॉब्स आई हैं, मोटिवेशनल सोशल मीडिया मैनेजर, मेडिटेशन सोशल मीडिया मैनेजर। अगर किसी लाइक फूड साइंस वगैरह के अंदर कोई है मेरे पास स्टूडेंट तो वो इनके ऊपर अप्लाई कर सकता है। लिंक्डइन अपॉइंटमेंट सेटर, वर्चुअल असिस्टेंट एज अ जॉब जो है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर। इसके अलावा अगर फर्दर अगर हम लोग जो है वो जाए नीड अ वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर जो है वो आप लोग देख लें, बिजनेस डेवलपर, सेल्स फॉर डिजिटल एजेंसी, रेज्यूमे राइटिंग, कवर लेटर, लिंक्डइन प्रोफाइल, रेज्यूमे राइटिंग, ये मुख्य चीज़ें जो है वो हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, लेकिन अगेन मैं इन पर क्यों नहीं क्लिक कर रहा, प्रायोरिटी मेरी वही है कि सिर्फ वही लोग जो है वो सिलेक्ट करूँ जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं। यूट्यूब कुकिंग चैनल प्रमोशन, अब ये मैंने कल शायद जो है वो मैं देख रहा था, शायद सरगोधा के ग्रुप में था या आप लोगों के ग्रुप में था, एक गिग बनाई हुई थी उन्होंने कुकिंग रेसिपीज से रेलिवेंट, तो ये जॉब जो है वो उनके लिए है। ठीक है, इसके अलावा ये मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, ऑप्टिमाइज फेसबुक इंस्टाग्राम। अच्छा चले, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वाले प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, मेक माई पोस्ट गो वायरल, मेक माई आर्टिकल्स पॉपुलर, दो काम है इन्होंने करने हैं। अगेन स्टिल इंडियन है लेकिन सिर्फ फीमेल वेरीफाइड है, तो इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं करना आपने। ठीक है, ये जॉब सर्चिंग, जॉब हंटिंग ही जो है वो मेन काम है। आइडियल क्लाइंट ढूंढने, आइडियल जॉब ढूंढनी है जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर सकें। तो ये लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो भेजी हुई है, इनको भी क्या क्या काम जो है वो हम करके देंगे। और ये इसने प्रॉपर लिखा होगा कि किस तरह से पोस्ट को वायरल करेगा, पोस्टिंग इमेजेस विद कैप्शन, ग्रुप शेयरिंग, इंक्रीज लाइक फॉलोअर्स, ज्वाइन डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह जो है वो करके देगा। ठीक है, उसके बाद ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हमारे पास आ गई है। अगर इसको जो है वो हम लोग देखें जो यूट्यूब कुकिंग चैनल से रेलिवेंट था, फाइंड आउट द सोशल मीडिया ग्रुप्स वेयर पब्लिकली पोस्ट कुकिंग चैनल एंड फेसबुक पेज, अल्टीमेट गोल टू इंक्रीज व्यूअर्स, प्रमोशन ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर करना।
ये एक लाइक मेरे अकॉर्डिंग अच्छा काम है, क्लाइंट इवन इंडियन है लेकिन लाइक है आयरलैंड में, प्रीवियसली काम भी जो है वो करवा चुका है, आयरलैंड का क्लाइंट है सॉरी। ठीक है, ये बजट इसका जो है वो आ रहा है तो इसके ऊपर हम लोग अभी अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये देखें पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है, डिपॉजिट मेड भी है, ईमेल वेरिफिकेशन, सारी चीज़ें जो है वो वेरीफाइड है इसकी। ठीक है, और प्रपोजल्स भी हम लोग चेक कर सकते हैं क्या क्या लोगों ने जो है वो सेंड किए हैं, एवरेज प्राइस यहाँ पे ही आपके पास जो है वो आ रही होती है कि ये एवरेज बिड जो है वो अभी चल रही है। जो मैंने कल भी बताया था कि हम लोगों ने नाम बहुत ज़्यादा लो जाना है, नाम बहुत ज़्यादा जो है वो हाई जाना है। ठीक है, तो एवरेज अमाउंट के टिकट जो है वो हम लोगों ने, तो पहली बिड लाइक बांग्लादेश की तरफ से है, सेकेंड जो है वो इंडियन। ये देखें इन्होंने डिटेल प्रपोजल लिखा हुआ है क्या करेंगी। ठीक है, आई डू और माई एक्सपर्टाइज, तो मैं भी रिकमेंड करूँगा इस तरह के प्रपोजल्स में आप लोग भी ये चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगेन अब ये देखें इसके और इसके प्रपोजल में ज़मीन आसमान का फर्क है। ठीक है, इसने इवन 3,000 इंडियन रुपीज़ का है और इसने 5,000, तो दोनों के काम में भी डिफरेंस होगा। खैर डिटेल्स में आते हैं, हम लोगों ने प्रपोजल जो है वो सेंड कैसे करना है, जो जॉब डिटेल्स थी उसके ऊपर आप लोग जो है वो आएंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास जो है वो ऑप्शन जो है वो आ रही है। यहाँ पे आपकी साइट पे जो है वो बिड्स आ रही होंगी, कितनी बिड्स जो है वो आपकी रिमेनिंग पड़ी हुई है, बिड्स लेफ्ट 8x8, अगर आप सेंड कर चुके होंगे 7x8, ये इस तरीके से आपके पास जो है वो आती चली जाएगी अनटिल नेक्स्ट बिड जब आप करेंगे, क्योंकि मैं इस पर काम नहीं कर रहा, मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे आपके पास टाइम नेक्स्ट जब आप बिड्स करना शुरू करेंगे तो आप पता चल जाएगा नेक्स्ट बिड आपको कब मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे आप सबसे पहले ये फ्रीलांसर के ऊपर जो है वो आपके पास अमाउंट आ रही है, कितनी अमाउंट के लिए आप लोग जो है वो काम करेंगे, तो ऑलमोस्ट 4,000 जो है वो एवरेज चल रहा था, 4,000 ही जो है वो हम लोग लिख देते हैं। अब इसके नीचे आ रहा है 4,000 आपने किया, 10% जो है वो अपनी फीस लेंगे, आपको कितने मिलेंगे 3,600 तकरीबन, और इंडिया के जो है वो 1 रुपया पाकिस्तान के 2 रुपीज़ के बराबर है, तो तकरीबन ये समझ लें 7,200 का प्रोजेक्ट है आपके लिए, 8,000 आप लोग बिड कर रहे हैं। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, कितने दिन के लिए है, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ डेज रख सकते हैं, अगर आपको आइडिया ना हो कितने दिन के लिए रखना है तो अगेन प्रपोजल्स पर जाएं और देखें उन्होंने कितने कितने बिड के लिए दिन के लिए जो है वो बिड किया उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना डिटेल्ड प्रपोजल जो है वो लिखना है जो आप लोगों ने बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा अगेन कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, यहाँ पे हर दफ़ा टाइप करें, वर्ड फाइल में जो है वो आप लोगों ने सेव करके जो है वो नहीं रख लेना अपना प्रपोजल, हमेशा यहाँ पे टाइप करें। जब आप टाइप करेंगे तो बार बार जो है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे, अच्छा जी मैंने अब ये डिस्कस करना है, दोबारा यहाँ पे आएंगे दोबारा फिर जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जब जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आप हर हर लाइन के ऊपर जो है वो गौर कर रहे होंगे कि मैंने पहली लाइन में से क्या रिप्लाई करना है, सेकंड में क्या रिप्लाई करना है, किस तरह से जॉब जो है वो उसकी जो है वो परफॉर्म होगी, कौन सी स्किल्स के ऊपर मैं काम करूंगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो आप लोग बार बार जो है वो नजर रखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने डिटेल्ड प्रपोजल डिटेल्ड प्रपोजल डिटेल्ड प्रपोजल, मैं बार बार कह रहा हूँ डिटेल प्रपोजल जो है वो आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये माइलस्टोन जो हमने कल जो है वो बात की थी, माइलस्टोन्स में ये तो सिर्फ जो है वो शॉर्ट टर्म काम है, जस्ट एग्जांपल 7 दिन का, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम लोगों ने ये मंथली काम करना होता, ठीक है ये काम होता 30 दिन का और ये होता 40,000 का, एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना था, प्रपोजल लिखने के बाद यहाँ पे माइलस्टोन बना लेने थे। पहला माइलस्टोन हमारा क्या है, जस्ट एग्जाम्पल जी फर्स्ट वीक ऑफ सर्विसेज, फर्स्ट वीक सर्विसेज दी और आपने क्या कर लिया, जस्ट एग्जाम्पल 10,000 जो है वो ले लिया उसमें से, अनदर माइलस्टोन बना लिया। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, आप लोगों ने सेकेंड वीक ऑफ सर्विसेज, ठीक है यहाँ पे अगेन 1,000 सॉरी 10,000। उसके बाद अगेन थर्ड वीक आ जाएगा आपके पास, थर्ड वीक ऑफ सर्विसेज 10,000
और लास्ट वन होगा फोर्थ वीक ऑफ सर्विसेज, तो रिमेनिंग अमाउंट 1000 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये क्या होगा, जैसे जैसे आपका जो है वो काम कंप्लीट होता जाएगा, आप लोग जो है वो ये पैसे जो है वो उनसे मंगवा लेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो आप लोगों ने उस टाइम यूज करनी है जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा, लेकिन क्योंकि ये 7 डेज का था इसलिए इसके ऊपर जो है वो हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शनल अपग्रेड्स आ रहे हैं। फोर $5 में स्पॉन्सर्ड अपडेट्स आर ऑन स्पॉन्सर्ड 518 टाइम्स फॉर दिस। 10 सेंट्स में आ रहा है, सील्ड आ रहा है, और लास्ट वन जो है वो $1 में हाईलाइट आ रहा है। आपने इसमें से कोई ऑप्शन जो है वो चूज नहीं करनी, सिर्फ फ्री बिड जो है वो करनी है और प्लेस बिड के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना आप लोगों ने। ठीक है, तो ये तरीका है इसके ऊपर जो है वो बिड करने का। ठीक है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन के जैसे जो है वो नीचे आएंगे, पहले अमाउंट लिखनी है आपने, कितने दिन में काम करेंगे, यहाँ पे डिटेल्ड प्रपोजल जो है वो लिखेंगे आप लोग, और उसके बाद जो है वो ये अगर माइलस्टोन बनाना चाहे माइलस्टोन बना दें, अदरवाइज इसको जो है वो रिमूव कर दें, सारे अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिख दें। ठीक है, और उसके बाद जो है वो प्लेसमेंट जो है वो कर दें कि मैं अब जो है वो ये काम आपको करके दूंगा। ठीक है जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर दूँ और उसके बाद नेक्स्ट जो वो चलते हैं हम। यहाँ तक अगर किसी का स्टिल कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, तो मैं उसका रिप्लाई जो वो कर दूँ। तो उसके बाद ये थोड़ा सा मैं वाइट लेबल सर्विसेज को डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहले यहाँ तक मुझे बता दें, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका जो है रिस्पॉन्स दे दूँ आपको। एग्जैक्टली अतीक साहब की बात को मैं एंडोर्स करूंगा क्योंकि उनका माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है लिंक्डइन के ऊपर, गुरु के ऊपर। मोस्टली आप लोगों को इंडियंस क्लाइंट्स मिलेंगे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वेरीफाइड जो है वो आपने जिसके जो प्रीवियसली जिसने काम किया हो सिर्फ उसी के साथ जो काम करना है आपने। ठीक है जी, बाकी लोग भी मुझे एक दफ़ा बता दें अगर यहाँ तक जो है वो चीज़ें समझ आ गई हैं, तो फिर आगे मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आप लोग अभी मुझे कमेंट्स में एक दफ़ा बता दें व्हाट आर वाइट लेबल सर्विसेज। गूगल किए बगैर जो भी आपके माइंड में आता है वाइट लेबल सर्विसेज का नाम सुन के मुझे एक दफ़ा वो बता दें। गूगल किए बगैर वाइट लेबल, ये जो वाइट लेबल एक वर्ड मेरे सामने आ गया है, इसका मुझे जो है वो आप लोग बता दें कि आपके क्या माइंड में आता है इसको पढ़ने के बाद। जी वाइट लेबल सर्विसेज, ठीक है, नो आइडिया रिजवान साहब, बुल्ला साहब, मैनेजिंग वगैरह जैसे वाइट कॉलर मैनेजर्स होते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम भी होता है एक। ठीक है, आई डोंट नो सॉरी। अच्छा जी, वाइट लेबल क्या होता है, आप जो है वो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट आर द वाइट लेबल सर्विसेज, हम लोग जितना भी जो है वो काम कर रहे होते हैं ये सारा वाइट लेबल सर्विसेज के लगता है। वाइट लेबल अगर आसान उर्दू तर्जमा इसका करें तो कोई भी आपके पास लाइक एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, वाइट लेबल है किसी भी किस्म का, उसके ऊपर पोस्टर लगा के डिजाइन करके लोगो लगा के आगे प्रोवाइड किया जा सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एज अ सप्लायर है किसी भी चीज के, हम लोग क्लाइंट को वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपना लोगो लगाएगा, अपनी ब्रांडिंग उसके ऊपर करेगा और आगे फर्दर एंड कंज्यूमर एंड यूजर्स तक पहुंचा देगा। तो अक्सर क्लाइंट कम्युनिकेशन के दौरान जो है वो आप लोगों को क्लाइंट कहेगा मुझे वाइट लेबल सर्विसेज जो है वो दरकार है,
वर्ल्ड लेवल सर्विसेज और कंटेंट राइटिंग में इसको बूस्ट राइटिंग भी जो है वो बोला जाता है, कि उसमें अब हमारा लेना देना कुछ नहीं है, हम लोग बाद में कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकेंगे ये मेरा काम है, क्योंकि उसके हमें पैसे जो है वो मिल चुके हैं, हम लोग जो है वो उस चीज के पैसे ले गए। अब चाहे वो बुक थी, बेशक आपने किसी क्लाइंट को बुक लिख के दिया, बहुत सारे क्लाइंट मिलेंगे जो आपसे बुक्स लिखवा रहे होंगे, अपने नाम से पब्लिश करवा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज, जितने बड़े जर्नलिस्ट होते हैं, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जितने बड़े जर्नलिस्ट होते हैं कुछ कॉलम्स लिख रहे होते हैं, कुछ चीजें लिख रहे होते हैं, तो आप लोगों का क्या ख्याल है, वो सारा दिन लाइक कॉपी पेंसिल लेके बैठ के सोचते रहते हैं आज मैंने क्या लिखना है, क्या जो है वो आज मेरा टॉपिक होना चाहिए। तो बैक एंड पे क्या होता है, ये वाइट लेबल सर्विसिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही होती है, ठीक है। और जी गौर साहब ने प्राइवेट लेबल भी जो है वो इसी को बोला जाता है। बैक एंड पे इवन मेरा जो एक स्टूडेंट था वो बीबीसी के लिए आर्टिकल्स लिखता था, वहाँ का बीबीसी का जर्नलिस्ट था, उनके लिए आर्टिकल्स लिखता था, लेकिन वो कभी भी उसके नेम से जो है वो पब्लिश नहीं हुए, वो हमेशा वो उस जर्नलिस्ट के नेम से जो है वो पब्लिश होते हैं। इंशाल्लाह आपको भी इस तरह के जो है वो क्लाइंट्स मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे आपका कम जो है वो पब्लिश हो रहा होगा, लेकिन आप लोग जो है वो उसको क्लेम नहीं कर सकते। क्लेम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों ने अपनी सर्विस के पैसे लिए हैं, अब आगे क्लाइंट का काम है वो जहाँ पे मर्जी इसको जो है वो यूज करें। वाइट लेबल एंड प्राइवेट लेबल कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। व्हाइट लेबलिंग इज व्हेन अ प्रोडक्ट और सर्विस रिमूव्स देयर ब्रांड एंड लोगो फ्रॉम द एंड प्रोडक्ट एंड इंसर्टेड यूजिंग द ब्रांड रिक्वेस्टेड बाय द परचेजर। एग्जैक्टली, ठीक है। तो दोबारा से अगेन व्हाइट लेबल क्या है, हमने आर्टिकल लिखा है, हमने एड बनाया है, हमने एसईओ किया है, हमने कुछ भी किया है, हमारा वहां पे कहीं पे जो है वो नाम नहीं है, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूं, लोकल मैंने काम जो है वो बहुत कम किया है, बहुत कम किया है, ठीक है। लेकिन इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके साथ स्टिल मैं काम कर रहा हूँ, उनके एड से रेलिवेंट, ये चीज़ों से रेलिवेंट अक्सर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस में जो है वो नज़र आ जाएगा, कभी आप लोगों ने गौर किया। इसके अलावा कराची के फिल्म स्टार्स हैं, कुछ सेलिब्रिटीज के साथ मैंने काम किया हुआ है, फोटोग्राफर्स सेलिब्रिटीज के मेरे फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड इसके अंदर जो है वो मौजूद है, स्पेशली फोटोग्राफर्स की बात करूँगा, उनका जो है वो मैंने काम किया हुआ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है सिम्बा सैमन, सॉरी सिम्बा सिम्बा टेक्सटाइल है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया की, उनके साथ काम किया हुआ है। सिम्बा सैमन के साथ ये यूएस की है, रिसेंटली काम कर रहा हूँ। ग्रो योगा भी यूएस की है, इनके साथ काम कर रहा हूँ। तो बैक एंड पे जितने भी जो है वो ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, जितनी भी प्रमोशन हो रही हैं, वो कभी लाइक प्राइवेटली तो मुझे शाबाश मिल रही है उस क्लाइंट की तरफ से जिसने मुझे ऑर्डर दिया होगा, एक्चुअल में किसको शाबाश मिल रही है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो उस क्लाइंट को। तो यहाँ पे अक्सर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल एक मार्केटिंग मैनेजर है, जनरल मैनेजर ने उसको जो है वो काम दिया कि ये प्रोडक्ट लॉन्च है, इसके जो है वो एड्स चलाओ, इसका काम करो, वो क्या करेगा, उसको जो है वो $100 $200 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मिल रहा है, आप लोगों को वो 20 25 30 50 डॉलर में हायर करेगा, काम आप कर रहे होंगे, सारी ऑप्टिमाइजेशन आप कर रहे हैं, कंपनी की सेल्स आ रही है, सारा कुछ हो रहा है, कंपनी उसको जो है वो ओबलाइज कर रही है कि आपकी वजह से ये सारा काम हुआ है, उसका नेम यूज हो रहा है आर्टिकल्स में, उस बंदे का नेम यूज हो रहा होगा, कहीं पे भी प्रमोशन हो रही होगी, इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है। बैक एंड पे आपकी मेहनत होगी, लेकिन आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अपनी सर्विसेज के पैसे ले रहे हैं, तो इसलिए आप लोग क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरी चीज है, ठीक है। तो ये कुछ क्लाइंट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वो वैसे बोल देते हैं कि मुझे वाइट लेबल सर्विसेज चाहिए, कि कल को आप क्लेम नहीं कर सकोगे कि ये मेरा काम है, ठीक है। हाँ, एक सूरत में कि अगर आपको पैसे उसने नहीं दिए या कोई आपका जो है वो फ्रॉड केस हो गया, तो फिर तो आप उसको जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जो है वो उसके पैसे ले लिए, प्रॉपर कंट्रैक्ट जो है वो आपका एंड हुआ है, तो आप लोग जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद है व्हाइट लेबल सर्विसेज की जो है वो आपको समझ आ गई होगी। गोस्ट राइटिंग भी यही होता है, उसमें भी जो है वो अगर कोई आपसे बुक लिखवा रहा है, कोई आर्टिकल लिखवा रहा है, वो अपने नेम से ही हमेशा पब्लिश करेगा, आप लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। लीड जनरेशन सर्विसेज कौन सी होती हैं, लीड जनरेशन इंशाल्लाह हम लोगों ने भी आगे डिस्कस करना है। लीड जनरेशन बेसिकली होता है
हम लोग जो है वो अपने क्लाइंट से जो है वो उनके डिटेल्स चाह रहे हैं कोई चीज़ ऑफर करते हुए। जस्ट एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ, मैं जी टेक्सला शहर के जो सिर्फ बिजनेसमैन हैं उनकी मुझे ईमेल आईडी चाहिए, फोन नंबर्स और नेम चाहिए, प्लस बिजनेस डिटेल, चार चीज़ें जो है मुझे चाहिए हर बिजनेसमैन की। तो उसके लिए अगर मैं कोई ऐड रन करता हूँ और इन एक्सचेंज कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ उन्हें प्रोवाइड करता हूँ जिसके रिटर्न में वो मुझे जो है वो अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, नेम, बिजनेस डिटेल्स देंगे, तो ये लीड जनरेशन कहलाती है। इसको इंशाल्लाह बाद में डिटेल में भी जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ये वाइट लेबल सर्विस का भी उम्मीद है जो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अभी आज हम लोगों ने सारा डिस्कस किया है फ्रीलांसर, यहाँ पे हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो जॉब हंटिंग करनी है, किस तरीके से प्रपोजल भेजना है। यहाँ इस चीज़ से रेलिवेंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है बताएं। 8 बीट्स जो है वो आप लोगों के पास आ रही होंगी, उसको अगेन चेक कैसे करना है आप लोगों ने, पहली मैं बार बार चीज़ कह रहा हूँ, सिर्फ वेरीफाइड क्लाइंट्स की जो है वो जॉब्स देखनी है, दूसरी जॉब्स के ऊपर आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। और उसके बाद ये जो जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, उम्मीद है सब कुछ चीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी। दो प्लेटफॉर्म हमारे जो है वो रह गए, वो अब आप लोग खुद से भी जो है वो देख सकते हैं। गुरु गुरु के ऊपर ही मोस्टली है, पीपीएच इवन मैंने आज पीपीएच भी डिस्कस करनी थी, लेकिन आप सबकी जो है वो प्रोफाइल्स अभी क्योंकि उसके ऊपर जो है वो बनी नहीं है तो उसको इतना डिस्कस करने का फायदा नहीं है। जिनकी प्रोफाइल बनी हुई है वो इस पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अभी गुरु और फ्रीलांसर के ऊपर जो रहेंगे। प्लस एक चीज और जो कि आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर जो है वो रखनी है, गिग्स ट्राई करें, जो भी आपके पास स्किल्स हैं एक दफा गिग्स अपनी पूरी कर लें, फिर हम लोग क्या करेंगे साथ साथ जो जो स्किल जो है वो करते चले जाएंगे तो वो पहले वाली जो गिग जो बेहतर